रापर मामलतदार कचेरी एरिरा डेवलपमेंट ऑथोरिटी सभा खंड मध्य इंचार्ज मामलतदार महेश ठक्कर अध्यक्ष स्थाने कोविड 19 वेक्सिन अंगे टास्क फोर्स नी मीटिंग मड़ी। आगमी समय में कोरोना वायरस नी वेक्सिन अंगे बैठक मड़ी थी, जेमां रापर तालुकाना दरेक आरोग्य विभाग द्वारा रसी अंगे राखवा सुविधा उपलब्ध करवाने स्टोरेज अंगेनी माहिती आपवामां आवी हती। तालुकाना कोविड 19 दर्दीओने रसी आपवा माटे टीम तैयार कराई, जे कोविड 19 दर्दीओ माटे सारवार करशे। ज्यारे आ कोविड 19 वेक्सिन उपलब्ध करवामां आवशे ते माटे केन्द्र सरकारनी गाइडलाइन मुजब वेक्सिन फाळवामां आवशे अने कोरोना वॉरियर्स तरीके काम करता तमाम सरकारी कर्मचारी अने अधिकारीओने वेक्सिन फाळवामां आवशे। उपरांत जे लोको आरोग्य विभाग अने कर्मचारीओने वेक्सिन आपवामां आवशे, उपरांत जे दर्दीओने कोरोना वायरसना दर्दीओने वेक्सिन फाळवामां आवशे, तेम तालुका हेल्थ ऑफिसर पौले जणावते। बैठक में तालुका विकास अधिकारी सहित स्टाफ उपस्थित रह्यो हतो, तेमज कोरोना वायरसना रक्षात्मक उपायों अंगे मार्गदर्शन पगला लेवा माटे चर्चा विचारणा करवामां आवी हती। ज्यां सुधी वेक्सिन न आवे त्यां सुधी मास्क वगर फरता लोकोने मास्क अंगे समजण आपवामां आवी हती, तो दो गज दूरी राखवा माटे पण चर्चा करवामां आवी हती। आ बैठक में तालुका विकास अधिकारी सहित अधिकारीओ उपस्थित रह्या हता। सर, जे आजे रापर मामलतदार कचेरी खाते जे अत्यारे कोविड 19 रसी अंगे जी जे बैठक मड़ी थी, तेमां कई कई बाबत अंगे चर्चा करवामां आवी? आजना रापर तालुकामां तालुका टास्क फोर्स मीटिंग कोविड 19 वेक्सिनना इंट्रोडक्शन संदर्भे जे मीटिंग राखवामां आवी, तो एमां ज्यारे पण वेक्सिन आवशे त्यारे सौथी पहला जे आरोग्य साथे संकळायेला अधिकारीओथी लईने क्लास फोर सुधीना दरेक कर्मचारीओने, ए सरकारीमां काम करता होय अथवा प्राइवेट हॉस्पिटलमां काम करता होय, दरेकने रापर तालुकामां आवरी लेवामां आवशे। एना पछी तबक्कावार ज्यारे ज्यारे वेक्सिन आवता जशे त्यारे आम जनताने पण आ वेक्सिनથી रक्षित करવામાં આવશે। હજી અત્યારે જ્યાં સુધી વેક્સિન ના આવે ત્યાં સુધી કોવિડ 19ની સુરક્ષા માટે કઈ કઈ બાબતોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી? જ્યાં સુધી વેક્સિન ના આવે ત્યાં સુધી પોતાની જાતને બચાવવા માટે અને બીજા લોકો પાસેથી સંક્રમણ ન થાય એના માટે દરેક લોકો માસ્ક પહેરીને માસ્ક પહેરીને બહાર જાય અને જરૂર વગરનો બહાર ન જાય, ખૂબ જ જરૂર હોય તો બહાર જાય પરંતુ માસ્ક પહેરીને, અને જ્યાં પણ જાય તો હંમેશા સામાજિક દૂરી રાખે અને ત્યાંથી ગમે ત્યાંથી આવે તો ઘરે આવીને વારંવાર હાથ ધોવાનો ટેવ પાડે, એવો આ મીટિંગમાં ચર્ચા કરવામાં આવી અને દરેક લોકો આ મીટિંગમાં જે આવેલા હતા એ લોકોને નિવેદન કરવામાં આવે કે લોકોને જાગૃત કરે।